सहनोऽवतु सहनोऽभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तो आज का विषय आप लोगों ने देखा ही है, योग साधना में विघ्न। तो हम लोगों ने इससे पहले मन के स्वरूप के बारे में काफी चर्चा की है और अष्टांग योग के अंतर्गत जो सब साधनाएं आती हैं, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि, उन पर भी विशद रूप से चर्चा की है। और ये चर्चाएं अंग्रेजी में हुई है। मेरी इच्छा है कि धीरे धीरे इनको मैं हिंदी में भी इन चर्चाओं को करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। तो जैसे जैसे समय मिलेगा मेरा प्रयास रहेगा ऐसा। तो आज की जो चर्चा का विषय है, योग साधना में विघ्न। तो अष्टांग योग जब हम लोग उसका प्रयास करने जाते हैं, ध्यान धारणा इत्यादि की चेष्टाएं जब हम लोग शुरू करते हैं, तो उसमें कई बाधाएं आती हैं। अगर बाधाएं नहीं है तब तो हम लोग सभी रातों रात महान संतों में परिणत हो जाएं, पर हम सभी जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। तो कई बाधनाएं हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, यह संस्कृत में कहावत है, आप लोग जानते हैं। श्रेयांसी माने, श्रेय माने अच्छा कार्य। तो जो भी अच्छा कार्य है उसमें बहुविघ्न होते हैं, कई विघ्न आते हैं। तो योग साधना में भी कई विघ्न हैं, तो आज हम उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये विघ्न पतंजलि योग सूत्र में दिए गए हैं। इन विघ्नों का जिक्र किया गया है। पहला जो अध्याय है समाधि पाद, उसके 30वें और 31वें श्लोक में इन बाधाओं का जिक्र है। तो आज की ये जो हमारी चर्चा है, श्लोक नहीं, वो एक्चुअली सूत्र है, उनको सूत्र बोलते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा है उन सूत्रों पर ही बेस करके हम लोग करेंगे, उनको ही आधार मानकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए कि पहले सूत्र में, जो प्रथम अध्याय के जो 30वां सूत्र है, उसमें पतंजलि किन बाधाओं का जिक्र करते हैं। और हम लोग जब इसकी चर्चा करेंगे तो आप लोग शायद जानते होंगे कि पतंजलि योग सूत्र पर व्यास देव का भाष्य है। उस भाष्य के आधार पर ही हम इन सूत्रों को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हम लोग आज की चर्चा में भी उस भाष्य की सहायता लेंगे। तो पहले अध्याय के 30वें सूत्र को इंट्रोड्यूस करते हुए व्यासदेव कहते हैं, अथ के अंतराया ये चित्तस्य विक्षेपकः। तो कौन से अंतराय हैं जो इस चित्त में विक्षेप लाते हैं, के पुनस्ते कियन्तो वा इति। वो कौन से हैं और कितने हैं, ये व्यासदेव प्रश्न उठाते हैं और स्वयं ही, और इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों को इस सूत्र में मिलता है, जो पहले अध्याय का जो 30वां सूत्र है। वह सूत्र इस प्रकार है, मैं आपके सामने रखता हूं तो आप लोग देख सकेंगे उसको, और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी है, तो अब आप देख सकते हैं अपने सामने। वह सूत्र है, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपः
चित्त विक्षेपः ते अंतराया, यह सूत्र है। तो संधि में है तो मैं तो अलग अलग करके मैंने कहा, उसे समझने में सुविधा होती है। अब इनको हम एक के बाद एक थोड़ा विचार करें कि इनका अर्थ क्या है। भगवान व्यासदेव ने भी इनका क्या अर्थ किया है अपने भाष्य में, और स्वामी विवेकानंद जी भी इन पर क्या कहते हैं। उनके विचारों से हम इस सूत्र को समझने में सफल होंगे। तो एक एक विघ्न इसमें दिए हुए हैं, चलिए एक के बाद एक इनकी थोड़ी चर्चा करें। पहला विघ्न है व्याधि। व्याधि आप सभी जानते हैं, व्याधि यानी रोग। शरीर में जब रोग होता है तब वह चित्त में विक्षेप करता है, और योग साधना बहुत उस समय कठिन हो जाती है। उसके बाद दूसरा है स्त्यान। स्त्यान यानी, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटल लेजीनेस, जो आप देख रहे हैं सामने, यानी मानसिक रूप से जब हम आलस्य द्वारा ग्रस्त हो जाते हैं, हमारा मन योग साधना में प्रवृत्त होने में आलसी हो जाता है, इसको बोलते हैं स्त्यान। हम बाद में विशद चर्चा करेंगे, अभी मैं खाली एक के बाद एक आपके सामने रख रहा हूं। तीसरा है संशय। संशय हम सभी जानते हैं, अंग्रेजी में डाउट, जब हम किसी बात पर संदेह करने लगते हैं। संशय के भी कई प्रकार हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो संशय यानी संदेह तीसरा विघ्न है। उसके बाद देखिए लिखा है प्रमाद। तो प्रमाद यानी जब हमारा उत्साह कम हो जाता है योग साधना के प्रति, हमारे हमें ऐसा लगता है कि हमें पर्याप्त उत्साह नहीं है, हम नहीं करना चाहते, तो उससे हम विरत हो जाते हैं, उसे कहते हैं प्रमाद। उसके बाद आलस्य। आलस्य हम सभी जानते हैं, अधिकांश ही हम लोग आलस्य से ग्रस्त हो जाते हैं जब भी साधना का विषय आता है। बाकी चीज़ों में हमारी स्फूर्ति रहती है, उत्साह रहता है, पर जब साधना की बात आती है या संसार से मन को निवृत्त करने की बात आती है तब हमें सभी में आलस्य भर जाता है। तो ये भी एक विघ्न है। उसके बाद है अविरति। अविरति देखिए इसमें दो भाग हैं। अविरति, अब ये रति जो है, रति यानी किसी चीज में रस लेना। रस लेना माने इंटरेस्ट लेना, किसी में चीज में रुचि लेना, उसको बोलते हैं रति। तो अविरति का अर्थ है कि हम जब किसी चीज से मन को नहीं हटा सकते, ये अर्थ है इसका। तो अविरति माने यहां पे अर्थ है कि मन को न हटा पाना। किस चीज से मन को न हटा पाना माने ऐसी वो क्या वस्तु है जिससे यदि हम अपने अपनी आसक्तियों को न हटा पाए तब वह विघ्न हो जाता है। ऐसी क्या चीज है? ऐसी चीज है विषय भोग। इस संसार के जो भोग हैं उनमें जब हमारी अविरति होती है, अविरति यानी जब हम उनके प्रति आसक्ति को नहीं त्याग सकते हैं। अगर आसक्ति त्याग दी तो योग साधना में बहुत बड़ा सहायक होता है, पर अधिकांश हम में से हम लोग फौरन इस आसक्ति को नहीं त्याग सकते। इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं इस आसक्ति की। तो जब हम इस आसक्ति को नहीं त्याग सकते, हम भोगों को नहीं छोड़ सकते, तब
योग साधना में यह एक बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं भ्रांति दर्शन। भ्रांति भ्रांति तो सभी जानते हैं, भूल जो सही नहीं है, दर्शन ऐसा कुछ देखना जो सही नहीं है, सीधी चीज को उल्टी समझना, उल्टी चीज को सीधी समझना। तो यहां पे दर्शन यानी कोई ज्ञान है। भ्रांति दर्शन माने इनकरेक्ट नॉलेज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जब हमारा ज्ञान सही नहीं होता है। ए अ को आ समझ लिया, आ को क समझ लिया, क को ख समझ लिया, ऐसा जब समझ लेते हैं, सही चीज को भूल समझ लेते हैं, भूल चीज को सही समझ लेते हैं, तब उसको कहते हैं भ्रांति दर्शन। इसके बाद आता है अलब्ध भूमिकत्व। भूमि यहां पे यानी स्थिति। जब हम किसी स्थिति को लाभ करना चाहते हैं और उसको नहीं कर पाते, अलब्ध, उसको जब हम लाभ नहीं कर पाते, तो वो स्थिति क्या है? वह स्थिति है समाधि की। समाधि ही हमारा लक्ष्य है, योग साधना का लक्ष्य है। जब हम उस भूमि को, किस भूमि को, समाधि की भूमि को लाभ नहीं कर सकते हैं, तब उसे कहा जाता है अलब्ध भूमिकत्व। यह एक विघ्न है। हम चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, पर हम उसे लाभ नहीं कर पाते। उसके बाद आता है अनवस्थित। अनवस्थिति मीन्स, उसका अर्थ है जब हम उसमें स्थित नहीं हो सकते। जब हम लाभ तो कर लेते हैं, पर हमारी उसमें स्थिति दृढ़ नहीं होती है। कोई चीज को पा लिया पर वहां रह नहीं पाए, यह बात। कुछ क्षणों के लिए ही पाया पर मन फिर नीचे आ गया, तो यह भी एक विघ्न है। तब हमें फिर प्रयास करना पड़ता है उस स्थिति को लाभ करने की। जैसे कोई एथलीट है, समझ लीजिए कोई दौड़ने में बहुत अच्छा है, तो उसका एक लक्ष्य है कि समझ लीजिए 100 मीटर इतने सेकंड में दौड़ेगा, तब वो एक मेडल जीत पाएगा। तो जब उस लक्ष्य को नहीं पहुंच पाएगा, जब नहीं पहुंच सकता उस लक्ष्य पर, तब उसे कहेंगे अलब्ध भूमिकत्व, माने वो अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहा है। पर समझ लीजिए उसने दौड़ लगाई और एक बार उस टाइम में उसने 100 मीटर मापने में वह, दौड़ने में वह सफल हो गया, पर उसके बाद जब उसने प्रयास की तब फिर असफल हो गया, तब उसको बोलते हैं कि उसमें उसकी स्थिति दृढ़ नहीं हुई है। वो जब चाहे अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता है। तो यही अर्थ है यहां पे। तो स्थिति न होना, एक बार पाकर भी उससे नीचे गिर जाना, ये सब इनके, इन्हें कहते हैं चित्तस्य विक्षेप। विक्षेप तो हम सभी जानते हैं, जब हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो जब चित्त में एक के बाद एक वृत्तियां उठती रहती हैं, तब वह जो स्थिति है उसे कहते हैं कि चित्त तब विक्षिप्त है, चित्त हमारे वश में नहीं है। यह बात। तो अब देखिए और थोड़ा गहरा प्रवेश करते हैं इस विषय में। व्यासदेव जिन्होंने जो भाष्य लिखा है उस पर थोड़ा गौर करते हैं। तो व्यासदेव कहते हैं इस सूत्र को समझाते हुए कि नव अंतराय चित्तस्य विक्षेपा। अंतराय हम सभी जानते हैं, अंतराय माने रुकावट है, तो नव माने नौ, तो ये नौ विघ्न है, नौ रुकावटें हैं जो क्या करती हैं, चित्तस्य विक्षेपः, ये चित्त में विक्षेप करती हैं, चित्त को हमारे असंतुलित करती हैं, मन को चंचल करती हैं। उसके बाद वे कहते हैं सह एते
चित्त वृत्ति भी भवंती। अभी देखिए इसमें थोड़ी समझने की बात है। व्यासदेव कहते हैं कि जब यह नौ अंतराय रुकावटें हमारे सामने आती हैं, विघ्न खड़ा करती हैं, तब क्या होता है? चित्त वृत्ति भीर भवंती, चित्त वृत्ति की जो संख्या है वह अधिक बढ़ जाती है। विक्षेप किसे कहते हैं? देखिए जब हमारा मन शांत रहता है तब क्या ये चित्त वृत्ति की क्या अवस्था रहती है? जैसे स्वामी विवेकानंद ने इसे समझाते हुए कहा है कि एक शांत तालाब है, उसमें हम एक पत्थर फेंकते हैं, उसके बाद एक के बाद एक पत्थर फेंकते जाते हैं, तो पत्थरों से फेंकने से क्या होता है, उस तालाब में वेव्स आते हैं, ढेव जिसे कहते हैं बंगला में, और हम सभी जानते हैं तरंगे। तो जब जल की तरंगे उठती हैं उस तालाब में उन पत्थरों को फेंकने से, तब जल अशांत हो जाता है। और जब जल अशांत रहता है, जब एक के बाद एक उसमें तरंगे उठती रहती हैं, तब हम जो तले है, जो तालाब के नीचे का तल है, वह हम नहीं देख पाते। जब तक तरंगे शांत नहीं होती, जल शांत नहीं होता, हम जल के अंदर क्या है उसे देखने में विफल रहते हैं। तो उसी तरह हमारी आत्मा, समझ लीजिए, मन के पीछे अवस्थित है। आत्मा को हम, आत्मा का दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? आत्मा का दर्शन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा चित्त, चित्त की तुलना यहां पे जल से की गई है, तो जिस तरह पत्थरों के डालने से जल में तरंगे उठती रहती हैं, उसी तरह यह संसार की जो चीजें हैं, ये जब हमारे आंखों के द्वारा हमारे मन में प्रवेश करती हैं, या कानों के द्वारा, किसी भी इंद्रिय के द्वारा जब ये हमारे मन में प्रवेश करती हैं, तब यह चित्त वृत्तियों की सृष्टि करती है। चित्त वृत्ति माने समझ लीजिए कोई ऐसी तरंग, एक वेव। तो हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, वो सब जानना इन चित्त वृत्तियों के माध्यम से ही होता है। अगर चित्त में वृत्ति न रहे तो हम किसी चीज को जान नहीं पाएंगे। तो चित्त वृत्ति तो जरूरी है, हमारे जीवन धारण के लिए भी जरूरी है, पर अगर चित्त वृत्ति संख्या में बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत अधिक हो जाए, तब हमारा चित्त इतना विक्षिप्त हो जाता है कि हम मन को शांत करने में असफल हो जाते हैं, और उसे ही योग में विघ्न कहा जाता है। योग का उद्देश्य है इन चित्त वृत्तियों को पूरी तरह शांत करके समाधि में चले जाना, क्योंकि समाधि तब तक लाभ नहीं हो सकती है जब तक यह वृत्तियां शांत न हो। तो इस जीवित रहना, जैसे इस शरीर को धारण करना और हमेशा शरीर में ही जीवित रहना, यह साधना का लक्ष्य नहीं है। साधना का लक्ष्य है शरीर के ऊपर उठ के समाधि की ओर बढ़ना, और अंत में इस शरीर से पूरी तरह छुटकारा पा जाना। तो वह समाधि की भूमि तब तक लाभ नहीं हो सकती है जब तक हमारी चित्त वृत्तियां शांत नहीं हो। तो साधना अवस्था में जो भी इन वृत्तियों को बढ़ावा दे, जो भी इन वृत्तियों की सृष्टि करे अधिक, उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि दूर न रहने से चित्त वृत्तियां उठती रहेंगी, चित्त में तरंगे उठती रहेंगी और मन कभी शांत नहीं होगा। तो सीधी बात यह है कि जो भी चीज, जो भी साधना
इन चित्त वृत्तियों में कमी लाए वही योग साधना है, और जो इन चित्त वृत्तियों को बढ़ावा दे, जो इनकी संख्या को बढ़ा दे, वही विघ्न है। सीधी बात ये। तो ये गहरा विषय है, बाद में और इस पर चर्चा करेंगे। तो यही व्यासदेव कहते हैं कि ये विघ्न, इनको विघ्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से हमारे चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं, मन अशांत रहता है और हम योग साधना नहीं कर पाते। यही बात, यही सीधी बात। तो एक के बाद एक व्यासदेव ने इस पर चर्चा की है, इन विघ्नों पे। देखिए, हम देख सकते हैं कि वे क्या कहते हैं। संस्कृत में उनका भाष्य है, पर हम लोग उसकी तो आलोचना हिंदी में भी करेंगे ही, तो सरल हो जाएगा। तो पहले बोलते हैं, पहला विघ्न जो है क्या है, व्याधि। व्याधि माने रोग, हम देख चुके हैं। तो व्यासदेव कहते हैं व्याधि किसको कहते हैं, व्याधि है धातु रस कर्ण वैषम्य। तो जो लोग जिनको आयुर्वेद का ज्ञान है, वे जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात पित्त और कफ का एक संतुलन रहता है। तो वात पित्त और कफ का जब संतुलन गड़बड़ हो जाता है, जब अंश वे असंतुलित हो जाते हैं, तभी हमारे शरीर में रोगों की सृष्टि होती है। यह एक चीज है, इसे कहते हैं रस, जो व्यासदेव ने कहा। तो रस करण वैषम्य, विषमता, जब इन रसों में विषमता आ जाती है, जब इनका संतुलन गड़बड़ हो जाता है। और कहते हैं करण, करण यहां करण माने इंद्रिय। करण को अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। करण यानी जिससे, जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो या जिसके द्वारा हम कर्म कर सकें, यह करण का अर्थ है। इसका अर्थ है इंद्रिय। हमारी दो तरह की इंद्रियां हैं, एक है ज्ञान इंद्रियां और दूसरी है कर्म इंद्रियां। तो देखिए, ज्ञान इंद्रियां वे इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आंखें हैं, आंखों से हमें बाहर जो वस्तुएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम देख ही नहीं सके तो जानेंगे कैसे कि हमारे चारों तरफ कौन सी चीजें पड़ी हैं, कौन सी वस्तुएं हैं। फिर जैसे कर्ण, कान, कान से हम सुन सकते हैं, किसी भी चीज को सुनना, किसी भी ध्वनि को सुनना तभी संभव हो सकता है जब हमारे कान ठीक तरह से काम कर रहे हों, तो वो भी एक तरह का ज्ञान है। तो इसी तरह नासिका या किसी चीज को सूंघना, गंध को पहचानना, ये भी ज्ञान है। तो इनको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। और कर्म इंद्रियां वो हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, जैसे हाथ पैर इत्यादि, इन्हें कर्म इंद्रिया कहते हैं। तो इन्हें करण कहा जाता है। करण में जब विषमता आती है, माने करण में जब कोई दोष हो जाता है, जब समझ लीजिए हमारी आंखें काम नहीं कर रही हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारे कानों से हम सुन नहीं पा रहे हैं, तब इन्हें, इनमें जो विषमता है, रस यानी वात पित्त और कफ, और हमारे कर्णों में जो विषमता जब आ जाती है, तब रोग, उसे रोग कहा जाता है, तभी रोग की सृष्टि होती है। तो यह है पहला विघ्न, यह व्याधि। उसके बाद हमने देखा दूसरा विघ्न है स्त्यान। स्त्यान यानी हमने देखा था जब हमारा मन, जब आलसी हो जाता है, तो स्त्यान की परिभाषा व्यासदेव ने इस प्रकार की है। स्त्यान चित्तस्य अकर्मण्यता। हम सभी हिंदी शब्द कर्मठ जानते हैं। कर्मठ यानी जो कर्म में उत्साह रखता है, काम का व्यक्ति है, एक्टिव है, उसका उल्टा होता है अकर्मण्य। अकर्मण्यता यानी आलसीपना, कर्म न करने की इच्छा,
कर्म न करने की प्रवृत्ति, तो यहां पे स्त्यान का अर्थ है चित्तस्य अकर्मण्यता। जब हमारा चित्त, चित्त यानी यहां पे मन, जब हमारा मन योग साधना से दूर भागता है, उसमें आलस्य करता है, बाकी चीजों में ठीक है। अगर ऐसे मन को आप बोलिए कि सिनेमा देखो, फुटबॉल मैच देखो, क्रिकेट मैच देखो, तब वह चित्त कर्मठ हो जाएगा। पर जब साधना करने की बात आएगी तो चित्त बोलेगा नहीं नहीं भाई बाद में करेंगे। तो वह बाद में, हम जानते हैं कि कल किसी ने नहीं देखा, कल कभी नहीं आता, तो उसे, इस विघ्न को कहते हैं स्त्यान, जब हमारा चित्त योग साधना में प्रवृत्त नहीं होना चाहता। यह दूसरा विघ्न है। तीसरा विघ्न है संशय। संशय माने संदेह करना। तो इसे कहते हैं, इसे परिभाषा करते हुए कहते हैं व्यासदेव, चित्त से संशय माने, संशय माने स्याद इदम एवं न एवं स्याद इति, स्याद इदम एवं न एवं स्याद, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब ऐसे मन डावांडोल होने लगता है, जैसे हमने पढ़ा, गीता में पढ़ा, श्री राम, श्री कृष्ण कुछ कह रहे हैं, तब जो संशय से ग्रस्त है जिसका मन, वह सोचेगा कि इदम एव स्यात, हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ठीक कह रहे हैं, न एवं इदम स्यात, ऐसा हो सकता है कि वह भूल कह रहे हैं। तो जब ये संशय मन को ग्रास कर लेता है, तो जब हर बात पे उसे संशय होने लगता है, तब वह साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब मन संशय से ग्रस्त रहता है तो उस मन में श्रद्धा का उदय नहीं हो सकता। जब हमें किसी चीज पर विश्वास ही नहीं है, तब हम उस पर अपने जीवन को कैसे ढाल सकते हैं। जैसे हम अगर योग साधना के बारे में पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र में, अगर हमारा मन यही समझता रहेगा कि यह हो भी सकता है ठीक, नहीं भी हो सकता है, तब हम साधना में प्रवृत्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि यह संशय हमारे मन में श्रद्धा का उदय होने में प्रमुख बाधा है। श्रद्धा का उदय यह होने ही नहीं दे। तो यह भी एक विघ्न हुआ। उसके बाद प्रमाद। प्रमाद माने इस चीज की भावना न करना। इस तरह से व्यासदेव ने कहा है कि इसको, इसको सीधा सीधे शब्दों में अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो केयरलेसनेस भी बोल सकते हैं। जब हम किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेते, हाँ ठीक है योग साधना कर लेंगे कभी बाद में, नहीं करने से भी क्या आता जाता है, सभी लोग तो ऐसे जी रहे हैं, हम भी ऐसे ही जी लेंगे, तो यह जो भाव है इसे कहते हैं प्रमाद। उसके बाद आलस्य। आलस्य हम सभी जानते हैं, पर देखिए कितनी कितने सुंदर तरीके से व्यासदेव ने इसकी परिभाषा की है आलस्य की। बोलते हैं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद अप्रवृत्ति। बहुत ही सुंदर परिभाषा है। कायस्य, काय माने हमारा शरीर, कायस्य माने शरीर का, चित्तस्य, चित्त यानी हमारा मन, चित्तस्य माने चित्त का। तो कायस्य चित्तस्य माने शरीर और मन का क्या अप्रवृत्ति, किसी चीज में प्रवृत्त न होना, चित्त और मन का किसी चीज को न करना, किसी कार्य में प्रवृत्त न होना, किस वजह से, गुरुत्वात्। अभी गुरु शब्द का अर्थ है, एक गुरु तो हम जानते हैं, गुरु का अर्थ है आचार्य, टीचर इत्यादि, पर यहां पे गुरु का अर्थ का शब्द है भारीपन, यह भी एक अर्थ है आप जानते ही हैं। तो गुरुत्व
त्वात, गुरु त्वात माने गुरु होने की वजह से, गुरु होने के कारण। क्या गुरु होने के कारण? काय और चित्त, शरीर और मन, जब गुरु यानी भारी होने के कारण जब उनकी अप्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति नहीं होती है योग साधना में या किसी भी कार्य में, उसे हम आलस्य कहते हैं। तो आलस्य तो अब सभी चीज में लागू है, कोई भी आलसी व्यक्ति तो संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। तो आलस्य की परिभाषा ही है कि जब समझ लीजिए हमने ज्यादा खा लिया, खाने से, अधिक खाने से, आवश्यकता के अधिक खाने से शरीर भारी हो गया। शरीर भारी होने से क्या करेंगे? अरे भाई अभी तो विश्राम का समय है, थोड़ा सो लो, अभी कौन काम करने जाए। तो ये हुआ काय का गुरुत्व और चित्त का गुरुत्व। तो हम देख ही चुके हैं कि चित्त किसी वजह से, समझ लीजिए सारा दिन किसी ने परिश्रम किया, किसी भी काम में थका मांदा बेचारा घर आया, तो उसका शरीर तो क्लांत होता ही है पर उसका मन भी क्लांत हो जाता है। तो इससे हम चित्त का गुरुत्व कह सकते हैं। तो शरीर और मन की जब इस भारी पने की वजह से योग साधना में प्रवृत्ति नहीं होती है, या किसी भी कार्य में जब प्रवृत्ति नहीं होती है, उसे आलस्य कहते हैं। उसके बाद का जो विघ्न हमने देखा उसे कहते हैं अविरति। माने विरति न होना, माने किसी चीज के प्रति जब हम अपने आकर्षण को त्याग नहीं सकते, किसी चीज के प्रति जब हमारी रति होती है तब वह योग में विघ्न होता है। रति माने आकर्षण, आसक्ति यहां पे। तो वह कौन सी चीज है जिसमें हमारी रति रहे, हमारा आकर्षण रहे, तब चित्त में विक्षेप होता है और योग साधना संभव नहीं हो पाती। वह है विषय भोग। तो विषय भोग में जब अत्यधिक रुचि हम लेने लगते हैं, उससे हम दूर नहीं रह सकते, तब हमारा चित्त अशांत हो जाता है। जैसे हम कुछ पढ़ने बैठे, उस समय हमें दूसरे कमरे में टीवी चलता हुआ सुनाई दिया, कोई सिनेमा चल रहा है या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो हम बोले अरे पढ़ाई वढ़ाई बाद में करेंगे, अभी चलो सिनेमा देखते हैं। तो उसमें क्या हुआ, ये सिनेमा के प्रति जो आकर्षण है, इस भोग के प्रति जो आकर्षण है, इसने हमारे चित्त को विक्षिप्त कर दिया। हम उस समय पढ़ना चाहें तब भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि चित्त विक्षिप्त है, डिस्टर्ब्ड है। तो जब हमारी संसार के विषयों में इतनी रुचि हो जाती है भोग करने में कि हम उससे दूर नहीं रह सकते, तब चित्त विक्षिप्त हो जाता है, और इस कदर विक्षिप्त हो जाता है कि साधना में वह एक बहुत बड़ा विघ्न साबित होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन माने इनकरेक्ट नॉलेज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। ज्ञान तो हुआ पर वह ज्ञान भ्रांत है, सही नहीं है। उसे संस्कृत में कहते हैं विपर्यय ज्ञानम। व्यासदेव कहते हैं भ्रांति दर्शनम का अर्थ क्या है? विपर्यय ज्ञानम। विपर्यय माने किसी चीज का ज्ञान प्राप्त तो करना पर वह ज्ञान अज्ञान है, क्योंकि ठीक नहीं है। जैसे संस्कृत में वेदांत में कहते हैं रज्जु सर्प। रज्जु यानी एक रस्सी। तो हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें एक रस्सी दिखी दूर से, पर अंधकार के कारण समझ लीजिए हमने उसे सर्प समझ लिया, सांप समझ लिया।
तुम उससे दूर भागने लगे। तुम्हें ज्ञान तो हुआ, जो वस्तु पड़ी थी उसका ज्ञान हुआ, पर वह ज्ञान सटीक ज्ञान नहीं है, वह विपर्यय ज्ञान है। विपर्यय माने जो ठीक न हो, और जो ज्ञान ठीक हो उसे संस्कृत में कहते हैं प्रमा। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान। तो चलिए, वो दूसरा विषय है, पर ये विपर्यय भ्रांति दर्शन माने विपर्यय ज्ञान, जो ज्ञान ठीक न हो। उसके बाद अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध जिसे लाभ नहीं किया जा सके, जिसे हम लाभ नहीं कर पा रहे हैं। किसको? भूमि को। किस भूमि को? व्यासदेव कहते हैं समाधि भूमेर अलाभ। समाधि की जो भूमि है, चित्त का जो समाधि के स्तर पे उठना है, उसे जब हम लाभ नहीं कर पाते, तब एक विघ्न उसे हम कह सकते हैं। इस विघ्न को कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व, समाधि भूमेर अलाभ। अनवस्थितत्वम, इसके बाद आता है अनवस्थितत्वम, यानी भूमि तो हमने लाभ की पर उस पर प्रतिष्ठित नहीं हो सके, बार बार उससे नीचे आ जाए। समझ लीजिए, कोई माउंटेन क्लाइंबर है, किसी पर्वत पे चढ़ रहा है, तो एक क्षण के लिए शिखर पे पहुंच गया, पर फिर उस पांव फिसल गया, फिर नीचे आ गया, फिर चेष्टा की, फिर पांव फिसल गया एक क्षण के बाद। तो उसे लाभ तो कर रहा है पर एक क्षण के लिए फिर नीचे आ जा रहा है। तो जब ऐसा होता है, यानी चित्त की स्थिति नहीं होती है उसमें, लाभ करने के बाद भी समाधि में जब चित्त की स्थिति नहीं हो पाती, उस विघ्न को कहते हैं अनवस्थितत्वम। तो इसे समझाते हुए व्यास भगवान कहते हैं यह लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। यत भूमौ, जिस भूमि को लब्धायाम लाभ करके भी जो भूमि लब्ध हो चुकी है उस पर क्या होता है? अप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित न हो पाना। किसका? मन का, चित्तस्य। इसे कहते हैं अनवस्थितत्वम। अनवस्थितत्वम यल्लब्धायां भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा, जो भूमि को लाभ कर चुके हैं मानसिक तौर पर। यहां पे तो योग तो सब मन का ही, सब साधना तो मन की होती है, तो चित्त की जो भूमि को जो लाभ हम कर चुके हैं पर उसमें प्रतिष्ठित न रह पाना, उसे कहते हैं अनवस्थितत्वम, और यह भी एक विघ्न है। यह बात, तो ये 9 विघ्न हैं, और इसके बाद भी एक सूत्र और है, घबराइए मत, यही खत्म नहीं है, विघ्न का तो पूरा भंडार है योग साधना में। तो खैर, उसे भी हम देखेंगे। तो इन 9 पर थोड़ी दृष्टि डाल ले वापिस। तो डिजीज जो पहला विघ्न है, यानी रोग, यह शरीर ही, इसे, इस शरीर को एक नौका कहा गया है। ये भव सागर जो है, यानी संसार रूप जो समुद्र है, उससे अगर हम पार करना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिसकी सहायता से हम इस समुद्र को पार करेंगे वह नौका या शरीर है। इसे पार करने के लिए हमें शरीर की सहायता चाहिए। तो शरीर अगर रोग ग्रस्त रहे सब समय, तो योग साधना संभव नहीं हो पाती। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक आहार करके और व्यायाम इत्यादि नहीं करके, व्यायाम इत्यादि करके, तो इन सब चीजों के द्वारा
हमें जितना हो सके स्वस्थ रहना चाहिए ताकि हम साधना कर सके। स्वस्थ इसीलिए नहीं रहना चाहिए ताकि हम जाके रेस्टोरेंट में अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकें, या सिनेमा देखने जा सकें, या और कुछ भोग करने जा सकें। यह शरीर का लक्ष्य नहीं है। शरीर इसीलिए दिया गया है ताकि इस शरीर की सहायता से हम साधना करके ईश्वर की कृपा पाएं, उनका दर्शन लाभ करें और अंत में मुक्ति लाभ करें। यही इस शरीर और मन का लक्ष्य है। तो शरीर को मन को भोगों में लगाना ये एक पूरा ही व्यर्थ, शरीर और मन की शक्तियों का पूरा व्यर्थ अपव्यय है, वेस्टेज है। पर साधना के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है, इसलिए जितना हो सके हमें अपने शरीर से रोगों को दूर रखना चाहिए। उसके बाद हमने देखा स्त्यान, यानी स्त्यान माने चित्तस्य अकर्मण्यता। जब चित्त विरत हो जाता है योग साधना से, उसे कहते हैं चित्तस्य अकर्मण्यता। उस विषय में हम रस नहीं पाते हैं, मन उस तरह जाना नहीं चाहता है। तो इसको अगर हम इस विघ्न को दूर करना चाहें तो हमें बार बार मन को समझा के उसे साधना में लगाना पड़ेगा। इसमें कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये हमारे हाथों में है। धीरे धीरे प्रयास करते करते, चेष्टा करते करते मन उसमें रुचि लेने लगता है, पर इसमें कई वर्ष भी लग जाते हैं। उसके बाद संशय, संशय माने हर चीज पे संदेह करना। किसी भी साधक ने, किसी महात्मा ने हमें कुछ उपदेश दिया, हम उस पर संदेह करने लग गए। भगवान कृष्ण ने हमें गीता में उपदेश दिया, हम उस पर सोचने लग गए कि भगवान कृष्ण ये वाकई ये सब जानते थे क्या, या मनगढ़ंत कोई उन्होंने बात कह दी है। तो योग की साधना क्या संभव है? योग का जो लक्ष्य है वो क्या सच्ची वास्तव में हम पा सकते हैं? योग साध्यो नवा इति, ये साध्य है कि नहीं? इस तरह से जब मन में संशय उठता रहता है निरंतर, तब साधना में यह एक बहुत बड़ा विघ्न हो जाता है। फिर प्रमाद, प्रमाद तो हम देख ही लिए। प्रमाद उनको ज्यादा होता है जो सब समय सांसारिक कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। तब योग हुआ नहीं हुआ, साधना हुई न हुई, उन्हें धीरे धीरे इस बात से कोई चिंता नहीं रहती। फिर हुआ हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, जीवन तो चल ही रहा है, खाओ पियो आराम करो। सबका जीवन ही ऐसा चल रहा है। तो इसे कहते हैं प्रमाद, लैक ऑफ सीरियसनेस, जब हम किसी विषय को गंभीरता से नहीं लेते, इन सांसारिक खिलौनों से ही खेलते रहते हैं, रुपया पैसा नाम यश शरीर के सुख इत्यादि, इन सब में ही जब हम व्यस्त रहते हैं, इन्हें पाने में ही जब हमारी शक्ति लगी रहती है, तब हमें प्रमाद आ जाता है और तब योग साधना में बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न हो जाता है। फिर आलस्य, आलस्य तो हम देख ही लिए कि गुरुत्वाद भारी होने की वजह से चित्त और मन की अप्रवृत्ति, माने योग साधना में जब चित्त और मन प्रवृत्त नहीं होना चाहता है, भारी होने के कारण, उसे आलस्य कहते हैं। तो अत्यधिक न खाना, आवश्यकता से ज्यादा न खाना, आवश्यकता से अधिक न सोना, और नियमित रूप से शरीर का व्यायाम करते रहना, इन सब चीजों से और अपने प्रयासों से आलस्य कम होता जाता है। उसके बाद अविरति, अविरति यानी किसी चीज की आसक्ति न छोड़ पाना। किस चीज की?
विषय भोगों की, विषय भोगों की आसक्ति को जब हम त्याग नहीं कर पाते, तब वह योग में विघ्न की सृष्टि करता है, हमारे चित्त को विक्षिप्त करता है। फिर भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन माने हमने सोचा कि हमने कुछ देखा, पर वह हमारा ज्ञान जब ठीक नहीं रहता है, वह ज्ञान जब विपर्य कहते हैं उसे, विपर्य माने इनकरेक्ट नॉलेज, जब वह मिथ्या ज्ञान होता है उसे कहते हैं विपर्यय यानी भ्रांति दर्शन। उसके बाद अलब्ध भूमिकत्व यानी समाधि की भूमि लाभ न कर पाना। उसके बाद है लास्ट में जो नवा है विघ्न, उसे कहते हैं कि समाधि लाभ करके भी चित्त की उस भूमि में जब प्रतिष्ठा न हो सके तब वह भी एक विघ्न कहा जाता है। तो यह नौ विघ्न तो है ही, और भी कुछ विघ्न आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो इसके जो बाद वाला सूत्र है, जो पहले अध्याय में जो 31वां सूत्र है, वह आपके सामने रखता हूं, आप देख सकेंगे, और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी दिया गया है और हम हिंदी में आलोचना भी करेंगे। तो देखिए ये आपके सामने है। क्या है ये विघ्न? ये विघ्न है दुख पहला, दौर्मनस्य दूसरा, अंगमे जयत्व तीसरा, श्वास प्रश्वास चौथा। इनसे क्या होता है? उसके बाद आप देख रहे हैं लिखा हुआ है विक्षेप सभुव। यह विक्षेप के माने जब हमारी हमारा जब मन केंद्रित नहीं होता है तो उनके साथ विक्षेप करने के लिए यह सब विघ्न लगे रहते हैं। तो इन विघ्नों के कारण हमारा चित्त केंद्रित नहीं हो सकता है। तो देखिए आइए इन पर हम चर्चा करें, व्यासदेव क्या बोलते हैं। तो पहला है दुख। दुख अब हम सभी जानते हैं, सभी ने दुख भोगा है, सभी दुख भोग रहे हैं और सब दुख भोगेंगे भी। कब तक भोगेंगे? जब तक हमें ईश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं होता, समाधि की प्राप्ति नहीं होती, तब तक दुख से छुटकारा हो ही नहीं सकता, असंभव। हम कोशिश करते रहे हैं, कोशिश कर भी रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे भी आगे भी, कि सांसारिक चीजों से, सांसारिक उपायों से, पैसे से, नाम से, यश से, और भी शरीर के भोगों से, पति से, पत्नियों से, बेटों से, सबसे हमारी हमारे दुख दूर हो जाए, पर ऐसा संभव नहीं है। आज तक ऐसा किसी का हुआ नहीं है और किसी का होगा भी नहीं। ये एक मिथ्या आशा को लेके हम जीवन व्यतीत कर देते हैं। खैर जो भी है, तो यह इसे कहते हैं दुख। तो दुख जब बहुत अधिक हो जाता है किसी भी कारण से, जब हमारा मन शोक ग्रस्त हो जाता है, तब योग साधना में वह विघ्न हो जाता है। जैसे हम देखते हैं गीता में, गीता में अर्जुन दुख से आक्रांत हो गया। दुख से आक्रांत क्यों हुआ? क्योंकि उसे लगा कि उसे अपने ही लोगों को, अपने सगे संबंधियों को मारना पड़ रहा है, उनका वध करना पड़ रहा है। तब शोक ने उसे अभिभूत कर लिया, उसके चित्त को शोक ने आक्रांत कर लिया। उस शोक का कारण था मोह। तो गीता के भाष्य में शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि यह शोक और मोह जो होता है, मोह पहले होता है, शोक बाद में होता है, वह हमारी सभी कठिनाइयों की जड़ है,
मूल है। तो ये दुख जब अधिक हो जाता है तब हम हमारा मन साधना की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता है। तो दुख तीन तरह के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक यानी जो हमारे मन शरीर से उपजते हैं, आदि भौतिक माने जो किसी दूसरे प्राणी से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे आकर किसी बिच्छू ने काट लिया, किसी सांप ने डस लिया, उन सबको कहते हैं आदि भौतिक दुख। और आदि दैविक दुख कहते हैं जो ये जो फोर्सेस ऑफ नेचर जिसे कहते हैं, आंधी, तूफान, भूकंप, ऐसा कुछ भी होता है तो दैविक इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि इनका संचालन भी वर्षा का और आंधी तूफान इत्यादि जो है, नेचर के जो शक्तियां हैं, प्रकृति की जो शक्तियां हैं, इनका संचालन भी छोटे मोटे देवता करते हैं। जैसे हम कृष्ण की जीवनी में देखते हैं कि जब इंद्र भगवान क्रोधित हो गए कि कृष्ण ने उनकी पूजा क्यों बंद करा दी, तो क्रोधित होकर उन्होंने वृंदावन में भयंकर तूफान, वर्षा, इन सब की सृष्टि की, क्योंकि उनके वश में था ये, वे ही इन सबको नियंत्रित करते थे। तो चूंकि देवताओं के द्वारा नियंत्रित है ये सब, इसीलिए इन्हें आदि दैविक कहा जाता है। तो ये भी दुख की सृष्टि करते हैं। तो ये तीन तरह के दुख जब मन का विक्षेप लाते हैं तब योग साधना संभव नहीं हो पाती। उसके बाद दौर मनस्य यानी इसका अर्थ है किसी इच्छा में बाधा पड़ना। किसी हम किसी चीज को चाहते हैं कि यह चीज हमें मिले, या हम चाहते हैं ऐसी घटना हो, पर वैसा नहीं होता है। तब क्या होता है, हमारे मन में एक क्षोभ होता है। वह उस क्षोभ को दौर मनस्य कहते हैं। तो व्यासदेव दौर मनस्य का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, दौर मनस्यम इच्छा अभिघातात चेतस क्षोभ। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, चेतस माने चित्त का जो क्षोभ है, इच्छा पूरी न होने के कारण, उसे दौर मनस्य कहते हैं। तो इच्छाएं हमारी जितनी कम हो, उतना ही हमारा मन योग साधना में प्रवृत्त होगा। यह बात है, अगर हमारी हजार तरह की इच्छाएं रहें, हजारों तरह की कामना रहें, सबको पूरी करना संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं होगा ऐसा करना, तो चित्त में क्षोभ होगा। तो जब कामनाओं का कोई अंत नहीं होगा, तब चित्त में विक्षेप ही होता रहेगा और योग साधना असंभव हो जाएगी। यह बात है। उसके बाद है अंगमेजयत्व। अंग माने शरीर के अंग। यहाँ पे अंगमेजयत्व माने जब हमारे शरीर में कंपन होता है। जब शरीर में कंपन होता है तब हमारा आसन स्थिर नहीं हो पाता। आसन स्थिर न हो पाने के कारण साधना में विघ्न आता है। उसके बाद है श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास हम सभी जानते हैं, सांस को अंदर लेना फिर बाहर फेंकना। तो जब ये श्वास प्रश्वास जब ठीक से नहीं होता है, जब इरेग्युलर हो जाता है, जब उसकी गति ठीक नहीं होती है, तब चित्त का विक्षेप होता है। जैसे ये तो हम सब जानते हैं कि जब हमारी यह श्वास प्रश्वास की गति जब बहुत अधिक हो जाती है तो हमारा मन अशांत हो जाता है। जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित हो गया, तो उस क्रोध में अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि हमारी जो ब्रीदिंग, जो हमारी सांस लेने की जो गति है, वो बहुत तेज हो जाती है। तो जब ऐसा
कोई मन में विक्षेप आता है, क्रोध इत्यादि, तब श्वास प्रश्वास की गति तेज हो जाती है। और जब ऐसा होता है तब हमारा मन केंद्रित उस समय नहीं हो पाता, हमें शांत होना चाहिए पहले। शांत होकर ही हम साधना करने का प्रयास कर सकते हैं, यह बात। तो यह थोड़े बहुत विघ्नों का जिक्र किया गया है योग की साधना में पतंजलि द्वारा। और अगर हम इन विघ्नों से छुटकारा पाना चाहें तो निरंतर प्रयास करना, यही एकमात्र उपाय है। इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं है कि कोई हिमालय से कोई बाबा जी आके हमें कोई जादू कर देंगे, कोई मंत्र दे देंगे जिसे जपने से हमारे सभी विघ्न एक क्षण में दूर हो जाएंगे, ऐसा कि कोई नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा दावा करने का दावा करता है तो उससे दूर ही रहना चाहिए। इसे हमें अपने प्रयास के द्वारा, अपनी निष्ठा के द्वारा, अपने वैराग्य के द्वारा ही दूर करना पड़ेगा। करते करते ही, प्रयास करते करते ही हम इन्हें कम करने में सफल होंगे। और जितना ये विघ्न कम हो जाए, हमारी साधना में प्रवृत्ति बढ़ेगी। और साधना में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके साथ साथ इन विघ्नों की शक्ति भी कम होती जाएगी, फिर ये हमारे लिए उतनी बाधा की सृष्टि नहीं कर पाएंगे। पर इनका पूरी तरह नाश तो तभी हो सकता है जब हम समाधि अवस्था को प्राप्त करके उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, पर वो बहुत बहुत दूर की बात है। हम जहां से हैं वहीं से हमें अपनी साधना पहले शुरू करनी चाहिए और इन विघ्नों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो और भी मैंने अंग्रेजी में यहाँ कई चर्चाएं की हैं, उसके बाद ही मैंने इन विघ्नों पर चर्चा की थी। तो मन का स्वरूप इत्यादि और अष्टांग योग के बारे में कुछ जानना आवश्यक है। तो जैसे जैसे समय मिलता जाएगा, मेरा प्रयास रहेगा कि जो चर्चाएं हो चुकी है उसको हम हिंदी में भी करें। तो इसके बाद मन का जो स्वरूप है, जिस पे हमने करीब 6 या 7 चर्चाएं की थी, मेरी इच्छा है कि उसे भी आपके सामने प्रस्तुत करूं एक के बाद एक। तो ईश्वर की अगर इच्छा होगी तो ऐसा संभव हो सकेगा। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।